अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पटियाला मेरे स्टाइल से। इसे आप रोटी, नान, पाव, चावल हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है और बनाने में उतना ही आसान है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम मिक्सर की जार में डालेंगे 6 हरी मिर्ची, 10-15 काजू डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। देखिए मैंने 500 ग्राम चिकन को धोकर ले ली हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बाटी दही और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और हम इसमें डालेंगे जो हमने हरी मिर्ची काजू पीसे थे उसको भी हम चिकन में डाल देंगे और डालेंगे नमक और हम इस सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए चिकन में मसाला अच्छे से लग चुका है। अभी हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। देखिए चिकन को आधा घंटा हो गया है रखकर, अभी हम इसे बनाने की तैयारी करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, अभी हम इसमें तेल डालेंगे। तेल में हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और डालेंगे 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसमें से खुशबू अच्छे से आए। 2 मिनट भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसका रंग चेंज होने तक के हम प्याज को पकाएंगे। देखिए प्याज का रंग चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल देंगे। बाउल में भी थोड़ा मसाला था, उसमें भी पानी डालकर हमने धोकर इसमें डाल दिए। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन ढककर इसे हम फास्ट आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम ढक्कन हटाकर इसे चेक करेंगे। देखें ग्रेवी हमारी अभी थोड़ी सी पतली है। 10 मिनट के लिए हम बारीक आंच पर इसे पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, चिकन भी अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चिकन को चेक करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह चिकन पटियाला बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन पटियाला कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।